नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारम में। फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके, और इस सेशन में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा फेज थ्री का। एग्ज़ाम आज ख़त्म हो गया है, उसका ही फेज थ्री में एक साउदर्न रेलवे चेन्नई है जिसके कट ऑफ के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं कि एक सीट पर कितने छात्र हैं, कट ऑफ कैसा जा सकता है, कट ऑफ कितना जाएगा इस जोन में, इन सभी पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं इसमें वैकेंसी कितना है, अटेंडेंस कैसा रहा है, लेवल क्या है, न्यू नॉर्मलाइजेशन रूल क्या है, परसेंटाइल क्या सिस्टम होने वाला ये क्या है, और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो 100 में 100 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, तो उनको तो ऐसे छात्र कम से कम 20% होंगे जो ऐसे ही छट जाएंगे, क्योंकि उनका जो 100 में 100 करके आएगा वो नेगेटिव को ज़्यादा दावत दे के आएगा, और जिसके कारण उसका मार्क्स कहीं ना कहीं डिक्रीज करेगा और वो कट ऑफ को पार नहीं कर पाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे, इस वीडियो पे मैं 500 लाइक का टारगेट रखता हूँ कि इस वीडियो पे मुझे 500 लाइक चाहिए, और उम्मीद है कि आप लोग 500 लाइक मुझे ज़रूर देंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और एक एक पॉइंट पे हम चर्चा करते हैं। तो चलिए RRC ग्रुप डी चेन्नई कट ऑफ 2022 के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें तो हमने कहा था साउथर्न रेलवे जोन चेन्नई। हम बात करते हैं वैकेंसी की। ये ऑफिशियल वैकेंसी था जिसमें आपका ये ऑफिशियल डेटा है वैकेंसी का, कि वैकेंसी की अगर हम बात करें तो टोटल वैकेंसी साउदर्न रेलवे जोन चेन्नई में 9579 है। फॉर्म फिलअप कितने गए थे, फॉर्म फिलअप किया गया था 9,04,592 फॉर्म फिलअप किए गए थे, और मैंने शुरू में ही कहा था अटेंडेंस जो है 50% से बिलो जा रहा है, 50% से बिलो जा रहा है अटेंडेंस। बहुत सारे लोगों का इसमें एग्ज़ाम चल रहा है, ग्रेजुएशन का भी एग्ज़ाम चल रहा है, बीएड का भी एग्ज़ाम चल रहा है, बहुत सारा एग्ज़ाम जो है इसमें चल रहा है, तो बहुत लोग ऐसे भी छोड़ रहे हैं हम, ठीक है। तो अटेंडेंस को हमने 50% माना है। कई कई जोन जैसे इलाहाबाद जोन में तो 36 से 38% ही अटेंडेंस हुआ है। तो अगर अटेंडेंस 50% हम लेके चलते हैं तो टोटल फॉर्म फिलअप का आधा हो जाएगा सीधे 4,52,296। अगर हम बात करेंगे PET रिजल्ट का, जो रिजल्ट आएगा PET के लिए, उसमें तीन गुना वैकेंसी से तीन गुना ज़्यादा जो है स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। तो अगर देखा जाए तो PET में कितना रिजल्ट होगा, तो तीन गुना वैकेंसी का यानी 28,737 जो है आपका PET में रिजल्ट होगा। अब PET में इतना रिजल्ट होगा तो हम पर सीट स्टूडेंट कंपटीशन रेशियो देखेंगे तो 4,52,296 को 28,737 से भाग देंगे तो हमारा कंपटीशन रेशियो कितना आ जाएगा, 15। कंपटीशन रेशियो 15, अगर लेवल हम बात करें तो इसका कट ऑफ का लेवल जो है ये कम जा सकता है, लेवल जो है कम जा सकता है, ठीक है। तो आप इसमें कंपटीशन कितना है, ये आफ्टर PET रिजल्ट में एक सीट पर आपको 15 आदमी से फाइट करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रुप डी 2018 कट ऑफ के बारे में, ठीक है। और आप सभी को बता दूं कि जो 2018 का जो कट ऑफ बना था वो आपका नॉर्मलाइजेशन सिस्टम पे बना था, और ये वाला सिस्टम है 2022 का जो रिजल्ट बनेगा ये परसेंटाइल सिस्टम है। नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल में बहुत सारा डिफिकल्ट है, बहुत अंतर है। नॉर्मलाइजेशन में 15 से 17 नंबर तक मार्क्स बढ़े हैं, लेकिन परसेंटाइल में 3 से 4 बढ़ने की उम्मीद है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है। अगर हम बात करें अनरिजर्व कैटेगरी का तो 71 कट ऑफ गया था 2018 में, OBC का 68 गया था, SC का 61 गया था, और ST का 55 गया था। ये 2018 की बात है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ है। एक सर्विसमैन का 40 गया था अनरिजर्व का, OBC का 30, SC का 30 और ST का 30। अगर जो लोग भी अप्रेंटिस कोर्स किए हैं रेलवे से, उनका 40 गया था अनरिजर्व में, OBC में 30 गया था, SC में 30 गया था और ST में भी 30 गया था। ये जो है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स था।
ठीक है। तो इसमें किसी किसी का 10 नंबर, किसी का 15 नंबर, मैक्सिमम 17 नंबर तक 2018 के नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स जो थे बढ़े थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ ग्रुप डी 2022। इसमें देखिए, अगर हम इसमें बात करें तो प्लस माइनस दो से तीन मार्क्स आप लेके चलिए कि हो सकता है 2 नंबर घट भी जाए, 2 नंबर बढ़ भी जाए। और देखिए बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारे बातें हैं, इससे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं 100 में 100 कर रहे हैं। बात समझिएगा, जो लोग 100 में 100 कर रहे हैं वो नेगेटिव ज़्यादा करेंगे। तो ऐसे 20% छात्र जो होंगे ये कंपटीशन से इस वजह से बाहर हो जाएंगे क्योंकि वो 100 में 100 करके आए हैं। ठीक है, तो चलिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ ग्रुप डी 2022 की हम बात करें। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, अगर आपका 62+ यानी कि अगर 60+ भी अगर आप मार्क्स लेके आते हैं, तो आप अगर आपका 60+ भी मार्क्स, इसमें भी प्लस माइनस दो अगर आता है, तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। अगर 58-57 भी आ रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए अगर आप अनरिजर्व से हैं। तो अगर आप OBC से हैं तो आपका 55+ भी मार्क्स आ रहा है, यानी कि 53-54 तक भी मार्क्स, अगर रॉ मार्क्स, ये बात हम कर रहे हैं रॉ मार्क्स पे, इतना भी बन रहा है तो आपको फिजिकल की तैयारी अभी शुरू कर देना चाहिए बिना किसी विलंब के। क्योंकि आप जानते हैं कि रेलवे अभी NTPC का रिजल्ट जारी किया, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी शुरू हो गया है। EWS का भी 55+ यानी कि मान के चलिए अगर 52+ भी मार्क्स अगर आप EWS से लाते हैं, तो आपको 52+ भी आपका मार्क्स आ रहा है, तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। और SC का 50+ भी अगर आपका 50+ भी मार्क्स आ रहा है, तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। अगर आप ST से हैं तो 50+ -2 लेके चलिए, 48-47 भी अगर आपका मार्क्स आ रहा है, तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, देखिए जो कट ऑफ बनेगा वो तो परसेंटाइल पे बनेगा, लेकिन आपके इतना मार्क्स तक आ रहा है, इसमें प्लस दो तीनों मार्क्स माइनस करके अगर आप देख रहे हैं, अगर उतना भी मार्क्स आप रॉ मार्क्स गेन कर रहे हैं, अगर आप रॉ मार्क्स यहाँ अनरिजर्व में 60 है, अगर आप 55-57 भी 55 से 60 के बीच में भी हैं, तो आपको अगर रॉ मार्क्स आ रहा है तो आपको क्या करना है, फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना, क्योंकि फिजिकल में समय लगेगा 15 से 20 दिन। जैसे ही आंसर किया आएगा, रिजल्ट आएगा, आपको 15 दिन में फिजिकल शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। जो मेरिट बनेगा यानी जो कट ऑफ आएगा फाइनल, वो परसेंटाइल पे बन के आएगा। किस पे आएगा? परसेंटाइल पे बन के आएगा। इसलिए अगर आपका रॉ मार्क्स 4-5 नंबर इससे कम भी आता है, तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप इजीली जो है फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, अगर आप फिजिकल की तैयारी अभी से कर दीजिएगा, तो आपको पता है कि 4 मिनट कुछ सेकंड में आपको 1000 मीटर दौड़ लगाना है। तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप अच्छा कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 35 किलो वजन उठा के 100 मीटर तक जाना है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक करके जाइएगा, 500 लाइक का टारगेट हमने दिया है, मुझे उम्मीद है कि आप इससे भी ज़्यादा लाइक करके आएंगे। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।